छठ पर्व मनाने घर लौट रहे मुंबई से एक युवक की ट्रेन से गिरकर हुई मौत। बड़ी खबर आ रही है बगहा से, जहां बगहा और खैरपोखरा के बीच पोल संख्या 284/3 के समीप एक युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई है। युवक का शव सोमवार की देर शाम झाड़ियों में पड़ा मिला है। शव को पुलिस ने जब्त करते हुए पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। मृत युवक की पहचान पूर्वी चंपारण स्थित रक्सौल थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव निवासी हरिराम पटेल के पुत्र वीरेंद्र पटेल के रूप में हुई है। वीरेंद्र मुंबई में मजदूरी करता था और छठ पर्व के अवसर पर अपने घर लौट रहा था। दुर्भाग्यवश रास्ते में ही यह हादसा हो गया, जिसे पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मृतक के पास से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान की। पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद परिवार के सदस्य घटना स्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक मृत वीरेंद्र के साथ यात्रा कर रहे लोगों ने बताया कि वह चलती ट्रेन से गिर गया था। हादसे के तुरंत बाद उन्होंने परिजनों को सूचना दी और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी थी। पुलिस और परिवार वालों ने मिलकर युवक की तलाश शुरू की। अंततः सोमवार की देर शाम युवक का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। छठ पर्व जो बिहार का प्रमुख त्यौहार होता है, जिसको मनाने के लिए वीरेंद्र हर साल की तरह इस बार भी अपने घर लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार में मातम फैला दिया है। मामला ये बॉम्बे से आवत रहन लड़का सब दमा के आई हमनी के गोरखपुर से ट्रेन पकड़ के आवत दुर्घटना घट गई तो था लागल कहनी हमने तो था लागल तो आई नहीं सर दिया की मदद से। वो कौन है आपके? लड़का है। किस ट्रेन से आ रहे थे? पढ़ लिखल हम सर नहीं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र पटेल। आपका पुत्र क्या नाम है? अमित हरे राम। कहाँ है? गुनहा चैन थाना कौन पड़ा? मुर्ति रसुआ।